नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबर की ओर। छतरपुर के खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर मनोज यादव को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है, जहां उनका मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद बीडी शर्मा से होगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के समझौते के तहत एमपी की खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में छोड़ी गई थी और राहुल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनोज यादव पर भरोसा जताया था। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज उनका टिकट घोषित कर दिया गया है। ग्वालियर में भाजपा के होली मिलन समारोह में पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा की अचानक तबियत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि मंच से उतरते समय उनको चक्कर आए और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद तत्काल अनूप मिश्रा को ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां प्रारंभिक इलाज के बाद अनूप मिश्रा की हालत सामान्य बताई जा रही है। आज होली मिलन समारोह में हम सभी लोग एक साथ उपस्थित थे, जिसमें अनूप मिश्रा जी भी थे। एकाएक उनका बीपी का और शुगर का प्रॉब्लम है, तो बीपी थोड़ा असंतुलित हो गया, उसके कारण थोड़ा उनको चक्कर सा आ गया, लेकिन अभी हम लोग अस्पताल आ गए हैं। ईसीजी वगैरह सब हो गया है, सब नॉर्मल है, खतरे की और चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि एक दो घंटे तक रखते हैं ऑब्जर्वेशन, उसके बाद घर भेज देंगे। कहा जा रहा है कि बैठे बैठे कुर्सी से खेल गए थे। नहीं, बैठे बैठे कुर्सी पर नहीं, वो खड़े थे और जब चक्कर आया तो कुर्सी पर उनको बिठा दिया। तो इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां आपको बता दें कि सिंधिया नगर में सिलेंडर फटने का बड़ा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां 90% से ज्यादा महिला जल चुकी। आप आपको बता दें कि 90% से ज्यादा महिला की जलकर मौत हो गई है, पति और 3 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। तो घरेलू सिलेंडर के फटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सिद्धानगर में गैस का सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ है। घरेलू सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा देखने को मिला है। 90% से ज्यादा महिला की जलकर मौत हो गई है, वहीं पति और 3 बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो घरेलू सिलेंडर के फटने से बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी खबर ग्वालियर से है। देश भर में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी को लेकर अब शहर में प्रशासन सख्त और सक्रिय बना हुआ है। वहीं पर शहरी क्षेत्र में लगातार मिल रही गैस रिफिलिंग की सूचना पर एफएसडी अधिकारी और तहसीलदार विनीत गोयल और खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी संदीप पांडे के नेतृत्व में शहर के अम्बेडकर नगर में संतोष साहू के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की गई और कार्रवाई के मौके पर दुकान और कार से 19 घरेलू सिलेंडर, 1 व्यवसायिक गैस सिलेंडर और 2 रिफिलर मशीन के साथ 4 नोजल जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो उसके तारतम्य में मेरे द्वारा और तहसीलदार साहब के द्वारा, साथ में एफएसटी टीम के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से रेफरेंस सेंटरों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 2 रेफरेंस सेंटरों पर हमने आज जो है कार्रवाई की है मौके पर। इसमें एक साहू रेफरेंस सेंटर अम्बेडकर कॉलोनी में है, जहां पर हमने मौके पर एक गाड़ी में रिफिल होते हुए भी उसको जब्त किया है, साथ ही उसमें जो है उसके गोदाम में और वहां से जो है कुल मिलाकर के 20 सिलेंडर जो है हमने घरेलू गैस और 1 कमर्शियल गैस सिलेंडर उसमें जब्त करके कार्रवाई की है। ग्वालियर जिले के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और नए वोटरों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक शाम मतदाताओं के नाम कार्यक्रम शहर के मोती महल बैजताल पर आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह, एसडीएम और टीएन सिंह और उनके अलावा स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू सिंह विशेष रूप से मौजूद रही। आपको बता दें कि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली और अन्य महिला सहायता समूह के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।
निर्वाचन आयोग की मंशा है कि सभी मतदाताओं का नाम सूची में हो और फाइनली जब हमारे यहाँ जो 7 मई को जो वोटिंग का डे है ग्वालियर जिले के लिए, उस दिन सभी लोग मतदान के लिए बाहर आए, तो एक अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट करने के लिए कि किस प्रकार से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी है हम सभी वोटर्स की, इसके लिए सभी लोग सहयोग करें। और अभी भी बहुत समय बाकी है, यदि किसी का भी नाम वोटर सूची में नहीं है तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से आग्रह करूंगी कि अपना नाम आप वोटर लिस्ट में देख लें। यदि नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या अपने BLO के माध्यम से उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। किस तरीके की आज यहाँ पर बहुत अच्छी रंगोली कॉम्पिटिशन पीछे हुई है और 4 बजे से सभी लोगों ने बहुत ही उत्साहित होकर के यहाँ पर रंगोलियाँ बनाई हैं और अभी यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम भी होना है। हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में अब हिंदू सबसे आगे कार्यक्रम को चला रहा है, जहां संस्था के 80,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में उनके अधिकारों को बताने और दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते सब हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए संगठन के कार्यकर्ता बजरंग बली के मंदिर में हनुमान चालीसा और आरती का आयोजन कर क्षेत्र में रहने वालों से उसमें शामिल होने की अपील भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने राम मंदिर बनने के बाद हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान के लिए अब तो हिंदू ही आगे के द्वारा बहुत बड़ी योजना बनाकर काम करना शुरू किया है। ये योजना में भारत के गांव में और शहर की गलियों में हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर यह हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा वहां के 100-200-300 परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार का काम करना, अब तक भारत में 13,000 जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र चल रहे हैं। हम 1,50,000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए 4 चेक पोस्ट के तहत नरसिंहपुर और सागर जिले की सीमा झिराघाटी चेक पोस्ट पर 16,99,500 रुपए की राशि जब्त की गई। बताया जा रहा है कि लाखों की राशि एक कार से जब्त की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 85 CM राइज स्कूलों की सौगात दी है। आपको बता दें कि जिसके तहत बुरहानपुर जिले में 3 CM राइज स्कूल बनाने का काम जारी है। आपको बता दें कि अगले साल तक ये स्कूल बनकर तैनात हो जाएंगे। आपको वहीं आपको बता दें कि इस स्कूल में 1400 विद्यार्थी एक साथ KG 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ सकेंगे। क्योंकि अभी भवन बन रहा है, अधूरा है, और जो CM राइज के जो विद्यार्थी है वो सर्वांगीण विकास के लिए सभी शैक्षणिक कौशलों का विकास किया जाएगा, और इसमें CM राइज के जितने भी पदस्थ शिक्षक हैं वो एग्जाम पास करके आएंगे, वही इस विद्यालय CM राइज में पात्र होंगे पढ़ाने के लिए। और लगभग 15 किलोमीटर है, और पहले जो स्कूल थी उससे कई गुना व्यवस्थित व्यवस्था इसमें रहेगी, जो कि बच्चे सावधानी पूर्वक बैठ के अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये जो सर यहाँ पर भूकंप रोधी, जैसे मतलब अगर भूकंप पे झटका है तो उसको झेलने की क्षमता है सर, ये भूकंप रोधक बिल्डिंग है जिसकी डिजाइन भूकंप के अनुरूप में किया गया है कि भूकंप आने पे इस बिल्डिंग की कोई खतरा नहीं रहे। यहाँ पर जो CM राइज स्कूल नावरा है, इसका जो दायरा है 15 किलोमीटर की रेंज का है। 15 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर अध्यापन व्यवस्था ले सकते हैं। सर और क्या सुविधा रहेगी, मतलब बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे? यहाँ पर आधुनिक शिक्षा जो है बच्चों को देना, यही इसका कंसेप्ट है, बच्चे का सर्वांगीण विकास।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए झाबुल प्रशासन ने शुभंकर बघेरा चुनाव काका काकी के पोस्टर का विमोचन किया था, जिसके विरोध में आदिवासी सामाजिक संगठन ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान मामले की गंभीरता को समझते हुए चुनावी काका काकी के पोस्टर में बदलाव किया गया। अब चुनावी काका काकी नए रूप में मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए दिखाई देंगे। शुभंकर का जो चुनाव को लेकर के मीम जो बनाया गया था, उससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज थोड़ा सा आहत महसूस कर रहा है कि भाई पशुओं से हमारी तुलना नहीं होना चाहिए। तो हमने अपना वो भी पक्ष रखा है और कलेक्टर महोदय ने उस पर भी हमको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो यकीनन इस चीज़ को बदलेंगी, उन्होंने फोर्सली हमको कहा है, विश्वास दिलाया है। और हम हिंदुओं के ऊपर स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और उचित काम करेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। शुभंकर के संबंध में जो डेलीगेशन मिला था, उसके अतिरिक्त कल भी ज्ञापन भी दिया गया था कि उसमें ये बताया गया था कि आदिवासी संस्कृति के संबंध में उनका कहना था कि शुभंकर में परिवर्तन किया जाए। तो उन सुझावों को हम लोगों ने सुन भी लिया और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन की मुख्य मंशा मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति अवगत भी कराना है गतिविधियों से, और उनको उसके संबंध में पूरी जानकारी भी देना है। जिसके जो सुझाव रहेंगे निश्चित रूप से आमंत्रित थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे और उसके आधार पर हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं आगे। सागर शहर के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बारा मोहाल में ई रिक्शा में धार्मिक गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां सूचना मिलने पर जब घायलों की सहायता के लिए स्थानीय पुलिस और अन्य समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे तो समुदाय विशेष ने इन पर पथराव कर दिया। साथ ही घर की छतों से गर्म पानी भी फेंका, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सागर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उक्त घटना स्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज को जा रहा है। घटना में जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैंट थाना क्षेत्र में दो पक्षों में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई, इसमें तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंचा है और यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि दोनों पक्षों में काफी संख्या में लोग आमने सामने हो गए थे, तो पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग करते हुए दोनों को तितर बितर किया है। अब हम सीसीटीवी कैमरे जो उपलब्ध हैं, जो सरकारी भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उनकी हम लोग खंगाल रहे हैं और उसकी प्रॉपर जांच करके इसमें एक एफआईआर की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक थे, वो भगवान श्री राम के गाने बजा रहे थे, तो ये शांति प्रिय समुदाय के जो लोग हैं इनको इतने नागवार। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक और प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल के परंदी चौराहे दमोह स्थित बंगले के सामने एक युवक ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जहां युवक का आरोप है कि मंत्री के रिश्तेदार ने उसे फोन पे माध्यम से 66,000 रुपए लिए हैं, लेकिन अब वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आत्मदाह करने पहुंचा है। हालांकि समय रहते कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को पकड़कर कोतवाली ले गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साले के लड़का नीतेश पटेल जो मुझसे 66,000 रुपये फोन पे करा कर ले गए हैं, एक बार 30,000, एक बार 30,000 और एक बार 6,000 रुपये। तो इसकी कहीं शिकायत की आपने? अभी नहीं, हमने की है, यहाँ आए हैं, बोल रहा है हमारे फूफा राज्य मंत्री हैं, पथरिया ब्लॉक के विधायक जी हैं। सागर जिले के जैसी नगर पुलिस में अफीम की खेती पकड़ी गई है। इस दौरान आरोपियों ने प्याज और गेहूं की फसल के बीच अफीम लगाई हुई थी। वहीं पुलिस ने खेत में दबिश देकर कार्रवाई में 740 अफीम के हरे पौधे जब्त किए हैं और मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये सर क्या हुआ भैया, ये मनकियाई गाँव है, मनकियाई गांव में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चरण पटेल का खेत है, वहीं उसका घर बना हुआ है, घर के पीछे तरफ वो खेती करता है, उसी में वो अवैध रूप से अफीम के पौधा बोए हुए है। तो मुखबिर की सूचना को तस्दीक किया तो उसके दो
भिंड जिले के उमरी कस्बे में उपाध्याय विंसेंट सागर चैन मुनि का आगमन हुआ है और इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि उमरी कस्बे में स्थापित नैमिनाथ जैन मंदिर में भगवान नैमिनाथ का पहली बार मस्तक अभिषेक और महापूजन हुआ है और वहां से सब जैन समाज पलायन कर गई। घर बचे नहीं, पूजा पाठ हो नहीं पाता था, व्यवस्थाएं नहीं बन पाती थी। वहां के समाज इस मंदिर को, चैत्यालय को उठा करके यहाँ लेके आया, नया मंदिर बनाया। उस समय भी हम छुल्लक अवस्था में थे 19-20 साल पहले और विराजमान करके गए। उसके बाद बीच बीच में समय समय पे आते रहे और इस बार भी आने का मौका मिला। और जब से नैमिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक यानी लगभग 500 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 500 वर्ष। और 500 वर्ष में आज तक उनका मस्तकाभिषेक नहीं हुआ। छिंदवाड़ा के चौराहे में पुराने स्टेशन के पास नैनपुर मंडरा ट्रेन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन में इंजन के पास अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग लगने के बाद तत्काल ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया जिससे ट्रेन में सवार यात्री बाल बाल बच गए। डबरा में 4 दिन से गायब युवक का शव नहर की बोरी में बंधा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या मृतक के मौसेरे भाई ने की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उसके बाद हम इसकी तलाश चालू करी। इसी ड्यूरेशन में हमने चीज़ें देखी और तकनीकी साधनों का प्रयोग करके ये जान लिया था, जिन लोगों को हमने बयान के लिए बुलाया था उनके जब बयान लिए और उनके विरोधाभासी बयान आए कि तकनीकी साक्ष्य अलग बता रहे और वो अलग बता रहे, तो उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को चिन्हित किया था और उसी की निशानदेही पे हमने थाना अत्री क्षेत्रा अंतर्गत शव बरामद। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। और मैं बता दूं देश के कोने कोने में